इंटरव्यू में स्नेहा सारी बातें बोल रही हैं, पर पर्सनल लाइफ थी कहाँ पे? 15 इयर्स की बच्ची को क्या पर्सनल लाइफ होगी वो टाइम पे? नहीं, क्योंकि उस समय एक सवाल बहुत उठा था क्या को लेकर कि जो आपकी शक्ल है हाँ। वो ऐश से मिलती है, ऐश्वर्या राय बच्चन से। पर वो सब को जान, वो सब जानते हैं, उसमें हाँ। पर्सनल क्या है? इसमें उड़ी थी हवाएं कि शायद इसीलिए सलमान ने आपको लॉन्च किया है। ओ वो मुझे अभी तक उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मालूम है। अच्छा, जो बताया नहीं आपको? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं है। अच्छा, और मुझे हिम्मत भी नहीं है पूछने के लिए। अच्छा नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्नेहा की लोग आपको कैसा लगता है जब मतलब लोग जो हैं वो बातें करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप सोसाइटी में रहती हैं, लोग आपसे मिलते होंगे, पार्टी में भी जाती होंगी, तब ऐसी सब बातें जब आती हैं सामने तो क्या मतलब दिल में क्या उठता क्या है? अबाउट ऐश्वर्या, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई हैव एवर रिसीव्ड। बस पहले रिकग्नाइज नहीं किया, अभी रिकग्नाइज कर लिया कि एक कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा। और आप जितना भी मुझे बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा। पहले क्यों नहीं किया था? पता नहीं यार, शायद वो टाइम पे एटीट्यूड था मुझे भी कुछ बनना है। अच्छा। ये वो पता नहीं, पर अच्छा नहीं लगता था पहले, अभी अच्छा लगता है। अब अगर आपको आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, क्यों अभी अच्छा लगता है मुझे मालूम नहीं। रिजर्व क्यों रहती है इतना? मतलब क्योंकि अभी भी हम सेट पर आए थे, आप जब कैमरा ऑन होता तो स्नेहा फुल ऑन हो जाती, उसके बाद जैसे ऑफ होता तो ये भी किसी ने बताया क्या? नहीं यार, नहीं, अभी अभी आप जो देख रहे हो इट्स एब्सोल्युटली द नेचुरल मी। पक 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 करती रहती हूँ और आप सवाल पूछते हो मैं जवाब दे दूंगी, सो नाउ देयर इज नो, अभी आई हैव माई माइंड ऑल्सो अभी, बट रिजर्व आई डोंट नो, स्टार्टिंग से ऐसे ही हो, पता नहीं क्यों। आई थिंक यू नो स्कूल में भी मैं आई थिंक पूरे स्कूल की जो पॉपुलेशन थी एक ही लड़की थी जिसके पास ग्रीन आईज होते थे, शायद वो इशू की वजह से मैं रिजर्व हो गई। अच्छा। जेलसी बहुत होती थी स्कूल में, कॉलेज में कचरे लड़कियां जैसे करते हैं, सो आई थिंक उसकी वजह से मेरा पर्सनैलिटी रिजर्व हो गया, तो वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा? हाँ, आई होप। अच्छा, चलिए अब चेंज हो जाएगा, हम भी यही चाहेंगे कि चेंज करें आप अपनी इस पर्सनैलिटी को, और जैसे अभी हमसे खुलकर आप बात कर रही हैं, लोगों से करती रहें। स्नेहा, और स्कूल की बात मैं करूँ तो मतलब जब वैलेंटाइन डे आता है तो लड़के जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हो जाते होंगे, मैं तो 100% कह सकता हूँ स्नेहा के। एक्चुअली नहीं, आप सब यू विल बी सरप्राइज, जितना मतलब आप बोलते हैं खूबसूरत लड़की को जितने प्रपोजेज और लड़के का लाइन जो बनता है, मुझे नहीं उतना। आई थिंक लड़के बहुत डरते थे, अभी भी आपसे, अभी भी माय गाय फ्रेंड्स, और जब मैं कहाँ चलती हूँ अब्रॉड में भी, जब उनको मालूम ही नहीं है कि मैं हीरोइन हूँ, फिर भी सामने नहीं आता है, पता नहीं क्यों। लेकिन आपने जब फिल्म इंडस्ट्री में पाँव रखा फिर लोग स्नेहा से क्यों दूर जाने लग गए? मैं वो आप बताओ। हाँ, मैं बताने जा रहा था आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि सलमान खान अगर बुरा मान गए तो तब तो यहाँ से निकल जाना है इंडस्ट्री से, इसलिए स्नेहा से डिस्टेंस बना के रखते थे। नहीं यार, नहीं ऐसी बात नहीं थी। नहीं, अभी देखो ना, सोनाक्षी सिन्हा लो, नहीं सो मेनी एक्ट्रेसेस जो सलमान में लॉन्च किया, ऐसा कोई सोचता है क्या उनके सामने नहीं जाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पर्सनालिटी। आई थिंक मैं बस अनअप्रोचेबिलिटी, क्योंकि मैं सब छोड़ के स्टडीज करने गई। अच्छा। तो शायद सबको मालूम पड़ गया होगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है फिल्म में। फिर क्यों ये बैकअप, मतलब वापस? ये प्लान था, ये वो टाइम से अभी ये प्लान था। किसने, किसका? सलमान का प्लान था। अच्छा। कि वो ही हैड एडवाइस मी कि आप साउथ में जाओ, वहाँ पे आप एक्टिंग सीखो। अच्छा। एक्टिंग स्कूल मत जाइए, आप वहाँ पे जाओ। और आई एम टेलिंग यू, आई एम सो ग्रेटफुल, 9 फिल्म जो मैंने साउथ में की है, बिकॉज ऑफ दैट मैं इतनी प्रोफेशनल टचवुड अभी हो गई हूँ, और बस आई फील कि मैं एक हीरोइन अभी हूँ। आई कैन डू एनी सीन, कोई भी सीन मुझे लगता है मैं अभी एक्टिंग कर पाऊंगी। परफॉर्मेंस रोल्स के लिए अभी डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। आई ऑल्सो बिलीव इट्स लकी, जब मैंने साइन किया तो मैं रेडी नहीं थी हीरोइन के लिए, वो कैरेक्टर के लिए ठीक थी, बट आई डोंट थिंक एज अ हीरोइन आई वॉज रेडी, एक्टिंग आई डिडंट नो। सो दिस टाइम इन द साउथ हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अभी आई एम नॉट नर्वस, आई फील आई बी एबल टू डू एनी रोल, एनी स्क्रिप्ट। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि साउथ ने इतना सिखाया मुझे। साउथ ने सिखाया? Yeah. और एंड नाउ आई फील रेडी। अच्छा। नाउ आई फील रेडी एंड कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट, आई मीन आई एम श्योर कि कल आप मुझे एक बड़ी हीरोइन के सामने अब रखेंगे तो
I'll be nervous again. तो पहले किससे डरती थी? मतलब कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो मतलब आप चाहती थी कि हाँ इसके सामने मैं खड़ी हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाए? एक्चुअली पहले नहीं था, अभी हो गया क्योंकि अभी मैं सीरियस हूँ. पहले नहीं, पता नहीं, वो फर्क नहीं पड़ रहा था. पर अभी अभी मुझे लग रहा है कि दीपिका मेरे सामने आ जाएगी या कटरीना आ जाएगी, मैं तो गुम हो जाऊंगी. और ऐश्वर्या आ गई तो? ऐश्वर्या मैं मिली, आई हैड मेट हर एट फिल्म फेयर अवार्ड्स और वो बहुत स्वीट थी, मेरे साथ बहुत स्वीट थी, बहुत वार्म थी. तो वो याद करके मैं कंफर्टेबल रहूंगी. अच्छा, उन्होंने उन्होंने आपको देखा होगा तो लगा होगा रेप्लिका कोई आ गया सामने? नहीं, ऐसा नहीं. नहीं. तो क्या क्या बातें क्या हुई थी? बहुत इंटरेस्टिंग, ये मतलब लोग जानना चाहते. उन्होंने मुझे बोला कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने एक्चुअली जब मैं उनको फर्स्ट टाइम आई सॉ हर, आई हैड टोल्ड हर कि प्लीज डोंट बी एंग्री एट मी, क्योंकि मीडिया ने बहुत लिखा था ऐश्वर्या लुक अलाइक. तो कोई भी सीनियर एक्टर को अच्छा शायद नहीं लगा होगा. तो मैंने बोला आप डोंट किल मी, प्लीज डोंट हेट मी. तो उसने बोला नहीं डार्लिंग, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत स्टार्स के लिए जगह है, सो वेलकम टू द फैमिली. सो स्वीट, वेरी स्वीट. उसके बाद वो दिन के बाद आई वॉज लाइक, वो जब भी मुझे मिलेगी तो मिसेस वॉर्म तो रहेगी, शी इज वेरी वॉर्म विद मी. क्या बात है. yeah. जब आप स्क्रीन पर देखती हैं सलमान के साथ में किसी नई एक्ट्रेस को, जैसे अभी सोनाक्षी लॉन्च हुई हैं और अब तो बहुत अच्छा कर रही हैं वो, तो क्या लगता है कि फिर से एक सलमान के साथ में एक अच्छी फिल्म अगर मैं करूं तो कहीं ना कहीं फिर से एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगी? आज से मैं जो भी फिल्म करूंगी आप एक अलग हीरोइन देखेंगे. अच्छा. चाहे वो सलमान के साथ हो, इफ गॉड विशेस, और अ न्यू कमर, और जस्ट अ हीरोइन ऑन इट, आई एम गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट डिफरेंट एक्टर. और 150% जस्ट ऑन माई एक्टिंग. इस सिक्के के दो पहलू कहा जाता है सलमान को. जब वो मूड में होते हैं तो एक अलग पर्सनैलिटी में होते हैं, जब नहीं होते तो एक अलग पर्सनैलिटी में होते हैं. यू नो व्हाट, मेरे साथ जितना भी हम लोग का शूटिंग चल रहा था और अभी भी, और इट्स अ कोइंसिडेंस यू कॉल इट, बट व्हेनेवर आई हैव मेट हिम ही इज बीन इन अ वेरी 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 नाइस मूड. ओके. सो आई एम वेरी लकी इन दैट वे दैट आई हैव सीन द हैप्पी सलमान खान. ओके. एंड व्हाट पीपल टॉक अबाउट हिम बीइंग मूडी एंड ऑल दैट, मैंने तो देखा नहीं है. एंड आई डोंट इवन थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज आई नो हिम फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. एक क्षेत्र would have come in front, no, but he's a very thanda, cool, chilled out person. Achha. Logo, shayad people misunderstand that. Wo formal nahi hai, filmy nahi hai. So, he's very calm, very, kya bolte hain, aise ek friend ho saath mein, unke saath aise feel hota hai. अच्छा, जब आपने ऐश्वर्या से बातें की थी तब फिर आपसे मुलाकात हुई थी सलमान भाई की? और of course. अच्छा. हाँ, तो मतलब आपने बताया था कि इस तरीके से मेरी बात हुई? हाँ. कोई एंड सलमान आल्सो सेड हाउ स्वीट, एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने अभी यूज किया. क्या बात है. मैं कोई ग्रजेस या कुछ इस तरीके से नहीं बात. अच्छा.